हेलो गाइस, माय नेम इज़ गगनदीप। आई रीडिंग फोर्थ स्टैंडर्ड, 10 ईयर्स ओल्ड। माय स्कूल नेम इज निवेदिता सीनियर सेकेंडरी स्कूल इलाहाबाद। माय मदर नेम इज मिसेस उमर। माय विलेज इज थोबरिया। माय डिसीज सरसा। मुझे ड्राइंग का बहुत शौक है। मैं रवि कुमार पारी, प्रिंसिपल निवेदिता सीनियर सेकेंडरी स्कूल एलनामा। आज टैलेंट महासंग्राम से हमारे बीच टीम आई है, डीडी पंजाबी से। इन्होंने एक टैलेंट महासंग्राम नाम से एक प्रोग्राम करवाया था और इसमें हमारे स्कूल के से गगनदीप ने स्थान प्राप्त किए हैं अपने। गगनदीप जो है वो ड्राइंग में पार्टिसिपेट किया और एक स्थान प्राप्त किया है और काबिले तारीफ है ये। ये जो बच्चे दो हमारे स्कूल के हैं, कोई भी स्कूल के अंदर अगर फंक्शन हो रहा है, किसी भी तरह की एक्टिविटी हो रही है, तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, अपने आप को कहीं ना कहीं पहले पायदान पर रखने की कोशिश करते हैं। और इसी का नतीजा है कि ये बच्चे ब्लॉक लेवल से फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और फिर आज यहाँ तक पहुँच गए। तो मैं निवेदिता सीनियर सेकेंडरी स्कूल की संपूर्ण मैनेजमेंट और स्टाफ मेंबर की तरफ से इन दोनों बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आने वाले समय में आगे जब ये जा रहे हैं तो उम्मीद करता हूं कि ये इसी तरीके से संस्थान का नाम रोशन करेंगे और कुछ उच्च स्थान प्राप्त करके वापस लौटेंगे। और ये बच्चे किस में कितना है दम के 4 राउंड क्लियर करके 5वें राउंड में पहुँचे हैं और हम पूरी मैनेजमेंट की तरफ से ये दुआ करेंगे कि ये अगला राउंड भी जीत करके स्कूल का, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें और भविष्य में यूं ही किसी भी तरीके का अगर कोई कंपटीशन होता है तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। और इनके पेरेंट्स से भी मैं अनुरोध करूंगा कि इन बच्चों को जो आज यहां तक पहुंचे हैं इनका पूरा साथ दें और जब भी कभी मौका मिले तो इन बच्चों के साथ खड़े रहें ताकि ये स्कूल का, पेरेंट्स का और समाज का, सबका नाम रोशन यूँ ही करते रहें।
मुझे ड्राइंग करना अच्छा लगता है, खेलना पसंद है। फुटबॉल, क्रिकेट, खो खो, कबड्डी। बड़ा के फौजी बनना चाहता हूँ। जब भी मेरे स्कूल में कोई कंपटीशन होता है उसमें पार्टिसिपेट करता हूँ। डांस स्पोर्ट मैं इसमें पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। वहाँ पर भी मेरी फर्स्ट पोजीशन आई थी। जब मैं घर पे फ्री होता हूँ तब अपने बहनों के साथ गेम खेल लेता हूँ, जैसे कि कैरम बोर्ड, लूडो, फुटबॉल, क्रिकेट। मुझे क्रिकेट खेलना भी बहुत अच्छा लगता है। जब मैं फ्री टाइम में तो मैं ड्राइंग करता हूँ। Once upon a time, there was a huge apple tree. A little boy used to come to play near the tree. He would search of juicy apples. He would play alongside the tree and rest under its shade. One day, the tree was surprised to see the little boy approaching it with a sad face. "Come on, little boy, play with me," the tree asked the boy. "I am no longer a kid play around a tree. I need toys. Need money to buy toys and various designs and sides." The boy told the tree, "Sorry, my dear boy, I do not have money to give you, but can you pick all my apples and sell them? That will give you enough money to buy toys of your choice," replied the tree in a sweet voice. The boy grabbed all the apples and left happily. He sold the apples and got money. He bought toys and of his choice. Seasons went by, but there was no sign of the boy. One morning, the tree said, "Friends, the little boy and grown up into a big man. Come spend some." मैं थैंक्स करता हूँ अपनी मम्मी पापा का और पूरी फैमिली का। हर मेरी इच्छा पूरी करते हैं और मुझे फुल सपोर्ट करते हैं। मैं मेरे फैमिली के कारण मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरा नाम रवि कुमार है। मैं पिंड ठोबरिया तहसील अलावा सिरसा
ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਗਗਨਦੀਪ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਵੇਤਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸਕੂਲ ਸਕੂਲ 'ਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਡਰਾਇੰਗ ਦਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੇਮ 'ਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਖੋ ਖੋ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਡਾਂਸ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਵੇਤਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਚੌਥੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਫਸਟ ਰੈਂਕ 'ਚ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਫਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੋਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਘਰੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦਾ ਸਾਰਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ KKHD ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕੀਤਾ ਜੀ ਅਤੇ 4 ਰਾਊਂਡ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਰਾਊਂਡ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ 5ਵੇਂ ਰਾਊਂਡ 'ਚ ਵੀ ਫਾਈਨਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਕਰੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਿਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਗਗਨਦੀਪ ਕੀ ਮਾਤਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਠੋਬਰੀਆ ਗਾਓਂ ਮੈਂ ਰਹਿਤੀ ਹਾਂ, ਤਹਿਸੀਲ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਸਿਰਸਾ ਕੀ। और मेरा बच्चा निवेदिता स्कूल में पढ़ता है और उसे खेलने में कबड्डी और खो खो पसंद है। बचपन से ही ड्राइंग का बहुत ज्यादा शौक है और स्कूल में भी अच्छे नंबर लेकर आता है, फर्स्ट आता है, 4th क्लास में पढ़ता है। हर स्कूल में हर फंक्शन में वो पार्टिसिपेट करता है और नंबर 1 पर ही आता है डांस में। और KKHD में उसने पार्टिसिपेट किया है और वो फाइनल राउंड में पहुँच चुका है। मैं यही दुआ करती हूँ कि मेरा बच्चा आगे भी जीत के आए और गाँव का नाम और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। बचपन में तो ये कुछ ऐसा शैतान तो था नहीं, हो ना कोई शैतानी करता था। घर से फ्री होता है तो अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने चला जाता है और टाइम पर घर पे आता है और थोड़ी देर TV वगैरह देखता है। ड्राइंग भी बहुत करता है, फ्री होता है तो ड्राइंग ही करता है, घर पे रहता है। संडे को रहता है तो ड्राइंग करता है, संडे को तो ड्राइंग ही करता है। और उससे ज़्यादातर मंदिर में बैठ के ड्राइंग करने का बहुत ज़्यादा शौक है, देवी देवताओं की मूर्ति बनाने का बहुत ज़्यादा शौक है, इसमें ये खासियत है। और कभी कभार शैतानी भी करता है, साइकिल की ज़्यादा जिद करता है, मैं साइकिल लेके बाहर चलाने जाऊँ, इस चीज़ का इसको ज़्यादा शौक भी रहता है साइकिल का, और ड्राइंग का तो सबसे ज़्यादा शौक है। नमस्कार जी, मैं ठोबरिया में रहती हूँ, मेरा नाम आशा रोहनी है, गगनदीप मेरा भतीजा है। ड्राइंग में इसका बहुत शौक है और पढ़ाई लिखाई में बहुत सही है। पढ़ाई लिखाई करके मेरी बेटी के साथ थोड़ा खेलने के लिए जाते हैं, उसमें सही है। अलावा हम लोग का ही है, निवेदिता स्कूल में पढ़ाई करते हैं, स्कूल से आके थोड़े बहुत पढ़ाई कर लेते हैं, घर में ही खिलाई कर दोनों भाई बहन खेल के फिर ड्राइंग में लग जाते हैं। ड्राइंग में इसका बहुत शौक है। मेरे भतीजे ने किसमें कितना है दम, इसमें पार्टिसिपेट लिया है, 4th राउंड जीत के आया है, 5वां राउंड भी भगवान से करते हैं कि जीत के घर आए। हमारा फैमिली का मम्मी पापा के बड़े पापा मम्मी दादा दादाजी का नाम रोशन करें। नमस्कार जी, मैं ठोबरिया गांव की रहने वाली है, बुड्ढी देवी। मेरा पोता गगनदीप है। बच्चे में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हैगा, भी खूब पढ़ने लिखने में भी, ड्राइंग में भी, स्कूल से भी अच्छे नंबर से पास होता है जी। और खेलने कूदने को तो इतना शौक हैगा, चलो घर पे खेल लेता है, बाहर ज्यादा बच्चों में नहीं खेलता। तो इसलिए मेरी तो यही कोशिश है कि मेरा बच्चा अच्छे से जीत के आवे 5वां राउंड, तो गांव का नाम रोशन करे, माता पिता का करे, दादा दादी का करे। हर किसमें कितना है दम, उसमें 4th नंबर में जीत गया है, 5वें नंबर में फाइनल में। मेरी तो यही कृपा परमात्मा से है कि मेरा बच्चा पोता जीत के आवे, गांव का नाम रोशन। एक दिन KKHD की टीम स्कूल में आई थी, उन्होंने बताया थे कि KKHD मल्टी टैलेंट शो है, जिस बच्चे में जो भी टैलेंट है वो इस शो पे खा सकता है। मैंने ड्राइंग में फॉर्म फिल किया, फर्स्ट और सेकंड राउंड इलाहाबाद में हुए और मेरे 3rd राउंड और 4th राउंड सरसा में हुए। अब मैं फाइनल में पहुंच गया हूं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि फाइनल राउंड जीत के लाऊं, अपनी फैमिली का, स्कूल का और अपने गाँव का नाम रोशन करूँ। मैं थैंक्स करता हूँ परम सर का और KKHD की पूरी टीम का, जिन्होंने मुझे अपना टैलेंट दिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। थैंक यू KKHD।